फ्रेंड्स, रूपा की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट टाइप की रेसिपी सिखाने वाली हूँ। दोस्तों, ज्यादातर घरों में दूध में से रोज मलाई अलग कर देते हैं और ये मलाई जमा करके इसमें से हम घी बनाते हैं। तो उसका प्रोसेस कुछ इस तरह से ही होता है कि वो जमा की हुई मलाई में पानी मिला के हम उसको ब्लेंडर घुमा के मक्खन अलग करते हैं। ये मक्खन जब हम अलग निकाल देते हैं तो जो छाछ बचती है उसको, मैंने पूछने पर ज्यादातर लेडीज ने यही जवाब दिया कि वो इनको फेंक देते हैं। नहीं फ्रेंड्स, इसको फेंकना नहीं है। इसमें से आप बहुत बहुत आसान तरीके से पनीर बना सकते हैं। चौंक गए ना? जी हाँ, मैं सच कह रही हूँ, आप ये जो बची हुई छाछ है उसमें से पनीर बना सकते हो। आइए दोस्तों, आज हम सीखते हैं। और हाँ, आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये डब्बा भर के मैंने मलाई जमा की है। इतनी ही मलाई की मेजरमेंट की मैंने यहाँ ऑलरेडी मक्खन बना के रखी है। ये मक्खन अभी मैं इसमें से निकाल रही हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ मक्खन अलग हो रही है। ये तो हम रोज करते ही है, इसमें कोई नई बात नहीं है, इसलिए मैंने ये आपको दिखाया नहीं है। दोस्तों, इतनी मलाई से ये इतना मक्खन निकला हुआ है जिसका हम लोग घी बनाते हैं। ऐसे ही मैं घी बनाने रख देती हूँ, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अभी जो छाछ बची है, जो कि मैंने जैसे बताया कि ज्यादातर लेडीज ये छाछ फेंक देती है, अब हम इसमें से पनीर बनाएंगे। ये छाछ को मैं गैस पे गरम करने रख रही हूँ। अब ये गरम हो रहा है, इसको सिर्फ एक उबाल लाना है। हाँ, एक बात यहाँ मैं जरूर बताना चाहूंगी कि आप जब मलाई जमा करते हो, पहले ही दिन से उसको फ्रीजर के कंपार्टमेंट में जमा कीजिए और इसको मिलाना नहीं है, मतलब कि इसका दही नहीं बनाना है। कभी कभी दो तरीके से लेडीज लोग इसके मक्खन बनाती है। मलाई को मिलाने के लिए थोड़ा दही मिक्स करके उसका दही बना के फिर मक्खन बनाती है। नहीं, हमें इसमें दही नहीं डालना है, ऐसे ही प्लेन मलाई जमा करनी है। और ये मलाई आप पहले ही दिन से फ्रीजर में रखेंगे, क्योंकि आपका अगर इतना सारा मलाई जमा होता है तब जाके कुछ अच्छी तरह आप उसका प्रोसेस कर सकते हो पनीर का। तो इतनी मलाई जमा होते होते ज्यादा दिन लग जाते हैं, तो आप फ्रीजर में जमा करोगी बहुत अच्छी तरह रहती है। मैं बहुत टाइम से ये बनाती हूँ, बिल्कुल भी बिगड़ती नहीं। आइए देखते हैं अब इसमें उबाल आया है। थोड़ा वक्त है अभी, तब तक मैं साइड में ये मक्खन को भी गरम करने रख देती हूँ ताकि साइड बाय साइड इसमें से घी बनना भी चालू हो जाए। यहाँ मैंने एक छन्नी रखी है इस बर्तन के ऊपर और उसके ऊपर साफ धुला हुआ मलमल का कपड़ा रख दिया है। जब पनीर तैयार हो जाएगा तो मैं इससे इसको छान लूंगी। जैसे हम दूध से पनीर बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? दूध में विनेगर या नींबू या कुछ भी डाल के उसको फाड़ते हैं।
सेम तरीके से इसमें मैं सिर्फ व्हाइट विनेगर यूज करूंगी, क्योंकि नींबू से बनाने से उसमें खट्टापन आ जाता है, तो व्हाइट विनेगर डालते हैं, वो पनीर आप बहुत अच्छी तरह कोई भी रेसिपी में आराम से यूज कर सकते हैं। देखो फ्रेंड्स, यहाँ एक साइड में मक्खन में से घी बनना शुरू हो जाएगा और यहाँ पर इस छाछ को अभी उबाल आते ही हम इसमें विनेगर मिक्स कर देंगे। आइए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ बची हुई छाछ को एक उबाल आ गया है। यहाँ मैं गैस भी बंद कर देती हूँ और अब धीरे धीरे इसमें विनेगर मिला रही हूँ। ये एक ढक्कन हो गया, ये दूसरा ढक्कन हो गया। अब मैं चम्मच घुमा के देख लेती हूँ कि इसमें दूध अलग हुआ है कि नहीं। नहीं, अभी हुआ नहीं है, और एक ढक्कन लगेगा। तो ये मैं तीसरा ढक्कन इसमें मिला रही हूँ व्हाइट विनेगर का। जी हाँ दोस्तों, अब मेरा पनीर तैयार हो गया है। आप देख के बहुत ताज्जुब करेगी, कितने आसान तरीके से, देखो कितना सारा पनीर निकला है। अब मैं जब इसको छानूंगी तो आप देखोगे क्वांटिटी भी अच्छी खासी मिलती है हमें। पनीर तैयार है, अब इसे मैं मलमल वाले कपड़े में छन्नी के ऊपर जो रखा हुआ है उसमें छान रही हूँ। है ना फ्रेंड्स, इतना सारा पनीर निकला है और वो भी कितना एकदम सफेद और बिल्कुल मुलायम है। देखिए पनीर की क्वांटिटी देखिए आप, कितना सारा पनीर है। ये सब इतने दिनों तक हम फेंक देते थे। हाँ दोस्तों, एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि ये पनीर फनीदार होगा, रवे जैसा होगा, ये पनीर स्मूथ नहीं होगा। आप इसका स्लेब नहीं बना सकते, पर ठीक है, आप इसको कोई भी भाजी में, पराठे में यूज कर सकते हो, बहुत ही उपयुक्त है। पानी अलग हो गया है और ये पनीर है, इसको अभी ठंडा करके मैं वापस फ्रीज में स्टोर कर दूंगी। ये मेरा पनीर तैयार है। तो दोस्तों, मलाई में से मक्खन निकला, उसका घी बनाया, घी में से घी, अरे मक्खन अलग करने के बाद जो छाछ बसी उसका मैंने पनीर बनाया। तो देखा ना कितनी कितनी सारी चीजें हम इसमें से यूज कर सकते हैं। दोस्तों जरूर घर पे ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।